साफ अंतर है, जो पूछे सोच के समझ के जवाब दे। ठीक है भाईजान, लेकिन नौकरी कौन सी देंगे? कौन सी नौकरी मिलेगी मतलब? क्या क्वालिफिकेशन? 12वीं पास, 30 सर। लाट साहब तो ठीक है भाईजान, लेकिन मैं कोई अर्धरी की नौकरी नहीं करूंगा। चाय वर्दी की इज्जत, लोग तरसते हैं इसके लिए। फौज है या डिसिप्लिन चलता है यहाँ। डैड, आप आज कितने बजे आएंगे? पता नहीं क्यों, मतलब इट डिपेंड्स ऑन माय वर्क। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज? वैसे हाँ, शायद आज तुम्हें एसएम बलदेव साहब बुलाएं अपने ऑफिस। क्यों डैड? प्रिपरेशन टिप्स देने के लिए। क्यों क्या? बेटे अब समझ लो आपकी आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बलदेव साहब इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो मतलब मेरा वेकेशन गया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इनफैक्ट यू शुड बी सेइंग के तुम्हारा वेकेशन वर्थवाइल हो गया। यस, इट्स अ फन। आपको बहुत मजा आएगा। होप सो मॉम, ट्रस्ट मी। जब तुम यहां से अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाओगे, you will be a different person, Rahul. Go on, my boy. Enjoy yourself. Bye. 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 Sir, Nirmal ki wife aayi. Madam se milna chahti. Haan, haan. Le aao, unhe andar le. Sorry, Shweta, main tumhe batana bhul gaya. Actually, main nahi bulwaya tha unhe. Bahut zyada pareshan lag rahi thi Garima. Ek baar tum baat karogi, shayad she'll feel better. जी, आप फिक्र ना करें, मैं बात करके कोशिश करूंगी उनकी तकलीफ कम कर सकूं। तो, आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार, ये मेरी पत्नी है मिसेस श्वेता सजवान, ये हमारे जवान निर्मल की पत्नी है गरिमा। जस्ट बिकॉज फॉर हर श्वेता, आप बैठिए बैठिए प्लीज, मैं चलता हूँ। श्वेता जरा बंसी को बोल दो हम दोनों के लिए दो चाय भेजे। जी मैं बोल। गरिमा, हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया निर्मल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी मैम साहब, उन लोगों ने तय किया है कि निर्मल को दिल्ली शिफ्ट करें। दिल्ली? ठीक है, का मतलब समझे मैम साहब। घबराने की कोई बात नहीं, दिल्ली में पहले उसकी टेस्टिंग होगी और फिर उसके मुताबिक आगे का इलाज शुरू हो जाएगा। मैम साहब, हम बहुत परेशान हैं मैम साहब। घर में बूढ़े सास ससुर हैं, छोटी ननद है, एक बच्चा है। मैडम कुछ भी करिए पर इनको ठीक करिए मैम साहब। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में इनके अलावा। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं मैम साहब। हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं, बस हौसला रखें। दिल्ली उसकी बेहतरी के लिए उसे शिफ्ट किया जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब आगे भी इलाज चलेगा? जी हाँ, इलाज भी चलेगा और वो पहले से बेहतर भी होगा। तो फिर हम अपनी सास को क्या बताएं? देखो गरिमा, आपको स्ट्रोंग होना होगा। हम सब पूरी पलटन निर्मल के साथ है, पर निर्मल और उसके परिवार के साथ तो आपको ही निभाना होगा। आपको उनको ये यकीन दिलाना होगा कि उसका इलाज चल रहा है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जी मैम साहब, हम पूरा ख्याल रखेंगे। और वैसे भी अगर निर्मल प्राइवेट कंपनी में होता तो शायद इस हालात में कंपनी उसका साथ नहीं देती, पर आर्मी उसका साथ हमेशा देगी, जब आज इलाज चल रहा है तब भी और बाद में उसके परिवार का साथ भी देगी। समझ गए मैम साहब, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बात याद रखना गरिमा, डॉक्टर ने कहा है कि सही इलाज और सही देखभाल से निर्मल बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ठीक है? जी मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी। थैंक यू बेटा। बेटी,
जरा बैठो। देखो बेटी, मैं जानता हूं कि जो हुआ तुम उसे भूल नहीं सकते, लेकिन कोई तो रास्ता निकालना होगा ना बेटा। बाऊजी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो ज्वेलरी मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी। नई ज्वेलरी बन जाए, मेरे मॉम की आखिरी निशानी नहीं बन जाएगी बाऊजी। बहुत ही प्राइसलेस थी वो मेरे लिए, उसकी जगह कोई भी ज्वेलरी नहीं ले सकती बाऊजी। I'm just wondering कि मैं डैड को कैसे बताऊंगी ये बात। मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ मैं खुद बात करूंगा। आप बाऊजी, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। डैड बहुत ज्यादा आपसे मॉम के जाने के बाद उन्होंने वो सारी ज्वेलरी मेरे लिए संभाल के रखी थी। एक एक ऑर्नामेंट बहुत ही एंटीक और प्राइसलेस था। हमारी फैमिली में चार जनरेशन से चलती आ रही है बाऊजी। ये बात मैं डैड को कैसे समझाऊं? अरे एक बात है, मेरे साथ रुझाना चलो, डिजाइन बता दो बेटा, मैं हूबहू वैसी ज्वेलरी बनवा दूंगा। नहीं बाबूजी, इसमें मेरी ही गलती है। मुझे वो ज्वेलरी मम्मी को देनी ही नहीं चाहिए थी। इट वॉज ऑल माई फॉल्ट बाबूजी प्लीज, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूं। प्लीज बाबूजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें किसी की गलती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी। उन्होंने मनीष को बिगाड़ के रख दिया है। पहले उसे ड्रग्स की आदत लगी तो फिर भी मम्मी को कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद उसने अपने ही घर में चोरी की। क्या तब भी मम्मी को कुछ एहसास नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है बाऊजी? मनीष को गुनहगार बना दिया, बिगाड़ के रख दिया है उसको। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या बाऊजी? मनीष, ये आपकी गलत फहमी है बाऊजी, वो कभी नहीं सुधर सकता। सजवान सर, कम्युनल टेंशन अभी भी दबी हुई, मुझे अंदेशा है कि कभी भी खुलकर बढ़ सकती। हाल की बात है सर, ये एरिया बहुत ही पीसफुल, आई मीन शांत और रायट फ्री हुआ करता था, कैसे शुरू हो गया ये? ये हमारी समझ में भी नहीं आया। वैसे मैंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लेटर भेज दिया, आर्मी को कहना कभी भी कुछ भी होगा। नहीं, वो ऑर्डर्स मुझे मिल चुके हैं, मैं दरअसल उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा सर, थैंक यू। जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। जी, सही सुना तुमने, मैंने कहा जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। थैंक यू। ठीक है सर, प्लीज, थैंक यू। थैंक यू।
जी आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, मैं एक्चुअली एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप इस सिलसिले में पुलिस की मदद ले लें तो। देखिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन मुझे डर है कि स्थिति कहीं बिगड़ ना, और इसलिए आर्मी का तैनात रहना बहुत जरूरी है। सर, आई वॉन्ट बी ऑनेस्ट विद यू, एट दिस पॉइंट आर्मी LOC पर बहुत बिजी है। क्या है, कुछ महीनों से वहां पर घुसपैठिए लगातार LOC को पार करके हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स रियली डेंजरस। तो हमने क्या किया है, वी हैव ट्राइड टू कवर एवरी पॉसिबल एरिया, सारे पॉकेट, सारे एरियाज पे हमारे आर्मी के जवान डिप्लॉयड हैं। किसी भी एक पॉकेट से आर्मी को हटाना मतलब उन घुसपैठियों को न्योता देने के बराबर है। दिल के ना चांस टू एंटर, वो भी ऑन द राइट। सर, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि एक बार ये घुसपैठिए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमारे इलाके में आ जाते हैं, वो लोकल्स में मिंगल हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, फिर उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक बार जब लोकल्स में उनकी खोज करते हैं ना, तो फिर लोकल्स भी आर्मी से बेजार हो जाते हैं। इंद्र इज राइट। वैसे शहर का ये हिस्सा इतना सेंसिटिव कभी नहीं, पर कुछ दिनों से यहाँ कुछ टेंशन चल रही है। Exactly what I'm saying. उनका भी यही मकसद है कि यहां पर राइट्स करवाएं और हम लोग वहां से आर्मी को शिफ्ट करके यहां पर ले आएं, so that the LOC is free for them. उनका काम आसान हो जाता है, they can easily get into our country. I think आप सही कह रहे हैं। I'll talk to CM. If you don't mind me suggesting, sir, अगर आप CM से ये बात करें कि आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस से मदद लें तो कैसे रहे? सर, एक बार आपने ये पूरा ऑपरेशन आर्मी को दे दिया तो आप देखिएगा कि हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। सर, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन हम आर्मी वालों का एक पर्टिकुलर पेक्यूलियर स्टाइल है काम का। हमारे काम में किसी की भी दखल अंदाजी हम लोग वी डोंट फील इट टॉलरेट। डोंट वरी जेंटलमैन, आई एम होपफुल कि एवरीथिंग विल बी कंस्ट्रक्टिव and it will come to a conclusion, okay? Aye, come in, sir. Sir. Chai thandi ho gayi kya, dekho? Nah, not bad. Coming back to the point, Indar, I'm really surprised, yaar. Ye area itna peaceful hua karta. Achanak kya ho gaya? Sir, ek baat batao, इस इलाके को देखकर ऐसा लगता है कि एक अजीब सा अंडरकरंट, ऐसा लगता है कि यहाँ एक दबा हुआ राइट छिपा हुआ है। इंदर एक काम करो, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, लेकिन अगर तुम इंट्रूडर्स को ट्रेस कर सको इट विल बी हेल्पफुल। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी अकेले का काम नहीं, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ आर्मी इन्वॉल्व होती है तो लोकल रिवॉल्ट करते हैं। ये बात है तो फिर लोकल पुलिस की मदद लो, लोकल पुलिस की मदद लेने से काम आसान हो जाएगा। दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर लोकल पुलिस इन्वॉल्व होगी तो इन इंट्रूडर्स को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। इनफैक्ट लोकल पुलिस की मदद से इन इंट्रूडर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही हम दबोच सकते। बट यू नो व्हाट, अभी इंट्रूडर्स मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, जस्ट कांट हैंडल इट। ये लोग शायद नहीं जानते हैं कि इंडियन आर्मी फौलाद की बनी है, कोई भी प्रेशर हमें कमजोर नहीं बना सकता, ना अंदरूनी ना बाहरी। वी कैन हैंडल जस्ट अबाउट एवरीथिंग, दे प्रॉब्ली डोंट नो। चीयर्स, चीयर्स टू दैट। हेलो राहुल बेटा। हेलो अंकल, कैसे आना हुआ? डैड ने जमन खान के साथ आपसे मिलने भेजा है। किस लिए? वो आप ट्रेनिंग देंगे ना, उसके बाद मुझे एनडी के एग्जाम पास कर आर्मी में भर्ती होना है। हाउ कैन आई हेल्प यू बेटा? डैड ने कहा आप ट्रेनिंग देंगे और आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। अच्छा, भर्ती होना है? हाँ। स्टैंड अप। नहीं, मैंने क्या कहा?
स्टैंड अप। अगर आर्मी में भर्ती होना है ना तो बड़ों की इज्जत करना सीखो। आप हमारे पिताजी हैं, हम सीओ साहब नहीं हो। और अगर सीओ साहब के बेटे बनकर आए हो तो सिर्फ तुम्हारी सेवा हो सकती है। जो कहोगे आने को मुकवा दिया जाए। भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग लेने आए हो, दिमाग से बात निकाल दो कि तुम सीओ साहब के बेटे हो। मगर डैड तो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे डैड? यहां लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी खातिर करेंगे। मैंने कहा ना, अगर तुम सीखना है तुम्हें फलाना होगा, तुम सीओ साहब के बेटे हो। सीओ साहब ने तुम्हें इधर भेजा है और तुम उनके बेटे हो, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। और कई लड़कों को इधर भेजते हैं, जो सलूक उन लड़कों के साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा। अगर कुछ शक है ना, सीओ साहब से बात कर सकते हो और कल आ जाना। केदार मेजर बलदेव सिंह अपने अफसरों के हुक्म की तामील अपनी जान की परवाह किए बगैर करता है। अगर कोई जिम्मेवारी मुझे दी जाती है ना, उसे भी आखिरी दम तक निभाता है। जाओ सीओ साहब से पूछ लेना, और अगर मंजूर हो तो कल आ जाना। जाओ। सर, सूबेदार मेजर बलदेव सिंह सर, राहुल आया था मेरे पास। जी सर, मैंने वैसे किया सर जैसा आपने कहा था। ओके सर। क्या बात है, बहुत टेंस लग रहे हो आज। फिर वही पुरानी कुत्ती टीवी का बात। तो पानी सर से ऊपर उठ चुके हैं, किसी का लिहाज नहीं करती, किसी के सामने इंसल्ट करती। दीपिका घरेलू बीवी है, पता नहीं तुमने उसमें क्या देखा जो उससे शादी कर ली। मुझे भी समझ में नहीं आता, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आता हूँ। अच्छा, तो मुझ में क्या देखा? वही जो हर इंसान अपनी बीवी अपनी प्रेमिका में चाहता है। ये सब एक ही दिन में देख लिया मुझे। एक ही बार में नहीं, बल्कि मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब तुम्हारे हस्बैंड ने पहली बार तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस किया था। एक्स हस्बैंड ने? तो फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब, तुम्हारे वो खुले बाल, तुम्हारी वो लाल साड़ी, तुम्हारी हाथों में वो सफेद और लाल चूड़ियां, जिस तरह से तुमने अपने हाथों से अपने जुल्फों को लहराया, सब याद? क्या तुम भी मन बहला रहे हो। मन नहीं बहला, अपने दिल की बात क्या। बस उस दिन ही मैंने अपने मन में तुम्हारी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर बना ली, ब्यूटीफुल पेंटिंग। और जब भी मैं अकेला होता हूँ तुम्हारी याद आती है तो बस
तुम्हारी उस तस्वीर को याद कर। और फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुम्हारे एक्स फ्रेंड को देखा। तुम्हारे एक्स हस्बैंड को देखते ही ऐसा लगा जैसे कि मैं उसे जान से मारती हूँ। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे एक्स के बीच में एक्चुअली हुआ क्या? कुछ नहीं, बस हमेशा शक करते हैं। और उनके हिसाब से ऑफिस के हर बंदे के साथ मेरा अफेयर चल रहा, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन कन्फ्रंट कर लिया और डिसाइड करके उन्हें डिवोर्स दे दिया। तुम हर बात को कितना सिंपली ले लेती हो। काश मैं भी ऐसा कर पाता। कर पाता नहीं, करना पड़ेगा। तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। अब मैं उन्हें ज्यादा नहीं टाल सकती। आई नो, आई अंडरस्टैंड। अच्छा सुनो, मैं काफी देर हो चुकी, मुझे चलना होगा। इतनी जल्दी क्यों? क्या है कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने जाना जरूरी। तुम्हारी बीवी भी सच में सरदर्द है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती? पूरा दिन करती क्या है वो? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा लगा जैसे कि मैं ना फंस गया। अच्छा ठीक, अब ये सोचो कि इन सब से छुटकारा कैसे पाऊं। वो मैंने सोच लिया, बच्चों की कस्टडी मैं रखूंगा, कम से कम ये हर रोज की चिक चिक तो बंद हो जाएगी। मतलब? मतलब ये कि जो ये बच्चों की जिम्मेदारी की दुहाई जो बार बार मुझे देती है ना, वो तो नहीं दे पाएगी। ठीक है, इन सब से निपटो, बाद में बच्चों के बारे में सोचते हैं। पीके, यस सर। आप दोनों को बहुत सतर्क है, मैंने आप दोनों को इस मिशन के लिए चुना है, और याद रहे किसी तीसरे आदमी को इस मिशन के बारे में खबर नहीं पड़नी चाहिए। हमें खबर मिली है कि आज रात को करीबन 20 मिलिटेंट्स एलओसी को पार करके हमारी टेरिटरी में घुसने वाले हैं, और वो लोग हमारा सबसे जो मुश्किल पोस्ट है जिसका नाम हमने दिया है चेकर्ड, इज दैट क्लियर? इट इज चेकर्ड, यस सर। उस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले सर।